हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। आखिर कौन कौन सी वैकेंसी हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए है, क्या इसका पे स्केल रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लिंक कहाँ मिलेगा आपको, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे समझेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अगर हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक कंपनी है, इसको हम PSU बोल सकते हैं। इसको यह जिम्मा दिया गया है कि जो भी इंडिया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं उसका ऑपरेशन, मेंटेनेंस, उसका बनाने का जिम्मा सब कुछ इसी को दिया गया। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया ने 24 अप्रैल 2021 को वैकेंसी निकाली थी अलग अलग पोस्टों के लिए, जिसका लास्ट डेट 23 मई 2021 था, लेकिन कोरोना के चलते इन्होंने इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया और लास्ट डेट को 23 जुलाई 2021 कर दिया है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें तीन टाइप की पोस्ट हैं। जो पहली पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर की है, दूसरी पोस्ट एग्जीक्यूटिव की है, तीसरी पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। अगर हम जूनियर मैनेजर की पोस्ट की बात करें तो जो मैनेजर की पोस्ट है वो पहली पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है वो 50,000 से 1,60,000 IDA है। अगर हम पहली पोस्ट की बात करें तो जूनियर मैनेजर की है, सिविल के लिए है। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। जो दूसरी पोस्ट है वह जूनियर मैनेजर ऑपरेशन की है, सेम पे स्केल इसका भी है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अलग है, इसमें 2 साल का आपको MBA इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन चाहिए होता है। जो तीसरी पोस्ट है वो जूनियर मैनेजर की है, जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है वो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इवन की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको सब लोग भर सकते हैं। इसमें 3 पोस्टें हैं। इसका जो दूसरा पार्ट था वो है एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। अब एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, पहला है एग्जीक्यूटिव सिविल। इसका जो पे स्केल है वह 30,000 से 1,20,000 है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो डिप्लोमा मांग रखा है। डिप्लोमा के बेस पे इसमें एडमिशन होगा। जो इससे ऊपर की मैनेजर की पोस्ट थी उसमें BTEC के बेस पे था। तो जो पहली पोस्ट है वो सिविल की है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, सिविल इंजीनियरिंग में हो, ट्रांसपोर्टेशन में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ में या वाटर रिसोर्स में, जिसमें भी हो अगर आप सिविल में हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 73 है। जो दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल की है, टोटल वैकेंसी 42 है, सेम चीज इसमें है बट इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रखा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो पोस्ट है वह सिग्नल एंड कम्युनिकेशन में है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है या माइक्रोप्रोसेसर में है, TV इंजीनियरिंग जो भी है इसमें लिखा आप देख सकते हैं। चौथी पोस्ट है ऑपरेशन एंड BD है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा है, 237 है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट ये होती है ग्रेजुएशन 60% से अबव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम के आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। जो चौथी पोस्ट है वह एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की है। इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है ऑपरेशन एंड BD की, जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है अगर ग्रेजुएट है और 60% से उसके अब मार्क्स हैं। अब आती है तीसरी टाइप की पोस्ट जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव कहलाती है। इसका जो पे स्केल है वो 25,000 से 68,000 तक है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वह 10वीं पास होना, 60% मार्क्स के साथ या उससे ज़्यादा। दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास कुछ अप्रेंटिसशिप या ITI कोर्स होना चाहिए 2 साल का। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में आपके पास कुछ अप्रेंटिसशिप या फिर ITI का डिग्री होना चाहिए। और जो दूसरा है वह है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। सेम चीज़ें हैं, सेम रिक्वायरमेंट है, इसमें भी 10वीं पास और ITI या अप्रेंटिसशिप जो भी है। और तीसरी पोस्ट है ऑपरेशन एंड BD की, इसमें 235 पोस्ट हैं। इसमें क्या है, आप इसमें भी सेम चीज़ें हैं, अप्रेंटिसशिप इसमें होना चाहिए और अगर आप ग्रेजुएट भी हैं किसी डिसिप्लिन में तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये दो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है और जो दूसरा एग्जीक्यूटिव है,
दोनों पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो चौथी पोस्ट है इसमें वो जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, इसमें भी अगर आप 10+, इसमें भी अगर आपके पास आईटीआई डिग्री है, आप 10वीं पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारी पोस्टें थी जिसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, यह एक गवर्नमेंट की कंपनी, मतलब इसको हम गवर्नमेंट या इसको हम PSU कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन की बात करें तो जितने भी पोस्ट हैं सब में पहला स्टेज होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो कुछ ही पोस्ट में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में ही होगा, बाकी किसी में एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा। जो तीसरा राउंड होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। जो चौथा राउंड है वो इंटरव्यू का है, बट केवल जो मैनेजर की पोस्ट हैं, जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट हैं, केवल उसी में इंटरव्यू होगा, बाकी किसी में इंटरव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने इस वैकेंसी से रिलेटेड जो लिंक है और जो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के पास, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिप्लोमा हैं, जो इंजीनियर्स हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ।